अगर आपके फोन का बैटरी बहुत खर्चा हो जाता है, यानी कि बैटरी का बैकअप नहीं देता है, तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? अपने फोन में ऐसे सेटिंग्स है जिसे ऑफ करके अपना फोन का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा जो फोन का सेटिंग है, मैं आपको बता के दिखा दूंगा। तो आपको सिंपली जाना है फोन का सेटिंग। तो सेटिंग जाने के बाद आपको नीचे से आ जाना है। तो यहाँ से अकाउंट्स एंड स्कैनिंग, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जहाँ पे लिखा है MI अकाउंट और गूगल और अकाउंट एंड स्कैनिंग, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ से लिखा होगा गूगल, आपका जो मेल आईडी यहाँ से लॉगिन हो रहा है तो उसके ऊपर जाना है। तो यहाँ से गूगल जाऊंगा। तो यहाँ से मेरा काफी सारे जीमेल अकाउंट है, मैं एक ही जीमेल अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से एक ही जीमेल को मैंने सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं काफी सारे जो टिक लगा हुआ है वो बैकअप हो रहा है इस जीमेल से। अगर आप डाटा को ऑन कर लेती हो तो ये बैकअप कर लेता है आपका कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, ड्राइव और जीमेल, ये सब आपका फोन में यानी कि एक जीमेल आईडी में ये बैकअप कर लेता है। तो यहाँ से आपको क्या क्या जरूरत है उससे केवल ठीक रखना है, और जो जरूरत नहीं है आपको इसे अनठीक कर लेना है। तो ये मेरा जो पहला है जो कैलेंडर, उसको तो मैं अनठीक कर लूंगा, क्योंकि इसके जो कैलेंडर होता है पर डे का, पर डे ये बैकअप होता है और बैटरी का बैकअप ज्यादा खर्च हो जाता है। तो ये रीजन है तो बैटरी खत्म होने का। और ये इतना फोन में, ये फोन में बहुत कम दिख रहा है। अगर आपका फोन में ज्यादा होता है तो आप उसे ऑफ कर लेना। बस आपको कॉन्टैक्ट और ड्राइव जीमेल को ठीक करके, क्योंकि इसमें फोटो वगैरह और जीमेल से कुछ आपका जीमेल जो आता है वो बैकअप होता है, और ड्राइव में आपका फोटो बैकअप होता है, और कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट तो बैकअप होता है। अगर आप किसी नया सिम को यानी कि नया नंबर को अपने फोन में सेव करते हैं तो ये बैकअप होता है। तो ये तीन जो चीज है आपको बैकअप करना है यानी कि टिक रखना है, और बाकी जो चीजें आपको ऑफ कर लेना है, क्योंकि उसके मदद से बहुत सारी बैटरी जो आपका खर्चा हो जाता है। तो ऐसे करके आप अपने फोन का भी बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज मैं अपने चैनल में हर दिन डालता रहता हूँ। अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।